हाय, गुड मॉर्निंग। हमारे खास कार्यक्रम कमोडिटी के महारथी में आप सभी का स्वागत है। स्पाइसेस स्पेशल शो के अंदर आज हम चर्चा करेंगे जीरा एंड धनिया के बारे में, और इसी के सेकंड एपिसोड में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीक अदर स्पाइसेस के बारे में, इंक्लूडिंग टर्मरिक। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान वीरेन वकील साहब जुड़ रहे हैं, जो कि ओनर है पैराडाइम कमोडिटी के। वीरेन वकील भाई, वेलकम टू द शो। आपसे हमेशा बात करने से कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस मार्केट में लोगों को मिलती है। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि इस साल जीरा का फसल कैसा है मार्केट में? बहुत ही ज्यादा हल्ला है कि इस बार जीरा का फसल बहुत ज्यादा कम है। नॉर्मली जीरा की फसल के बारे में कोई ज़्यादा कमेंट मैं रियली देखना नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि जब भी बारिश आती है ना, तो लोग नुकसान 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 एक ही बात करते हैं। जैसे कोई खेतों में जाता नहीं, एसी केबिन में बैठ के नुकसान नुकसान बोल लेते हैं। अब दो तरह के नुकसान एग्री में होते हैं, एक तो होता है क्वालिटी का और एक होता है वॉल्यूम यानी क्वांटिटी का। अब वॉल्यूम के हिसाब से ये साल का वेदर कोई खास खराब नहीं था, तो वॉल्यूम या टनेज लॉस में ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ। मे बी टनेज फ्लैट होगा या तो 5-10% ज़्यादा होगा, लेकिन क्वालिटी लॉस जरूर है, क्योंकि जो क्वालिटी का जीरा आपको चाहिए, जिसमें कलर डैमेज ना हो या फ्रेग्रेंस डैमेज ना हो, तो ऐसा क्वालिटी वाला थोड़ा लॉस आया होगा। और एक्सचेंज के जो पैरामीटर्स होते हैं, उसमें जो पहले से प्रिस्क्राइब है कि भाई ये स्पेसिफिकेशन को हम जीरा कहेंगे, ये स्पेसिफिकेशन नहीं है उसको जीरा नहीं कहेंगे। तो एक क्वालिटी आर्बिट्रेज डेवलप होता है, जो कभी कभी दुनिया में हमने देखा है, कभी कभी इसमें भी देखा है, जीरा में भी। और मैं जहाँ तक मेरी रीडिंग है, मैं ऐसा समझता हूँ कि अभी मार्केट एक तो थोड़ा यूफोरिक मोड में है, मीन्स थोड़ा ओवरली चार्ज है। और एक तो एक बात ये भी है कि चाइना में बहुत जोरों से इंडियन जीरा की डिमांड है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा, इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि जीरा का जो उत्पादन है 50 लाख बैग्स ही रहेगा, यानी कि 2.5 लाख टन का। सरकार का उत्पादन की बात करते हैं वो तो और भी कम है, उनका मानना है कि 2 लाख टन के आसपास ही जीरा का उत्पादन है। आप किस रेंज में जीरा का उत्पादन देख रहे हैं और आपका इस पर क्या ओपिनियन है? क्या आप इस बारे में हम सभी को गाइड कर सकते हैं? प्रोडक्शन 50 लाख जितना कम तो मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, फार्मर्स को स्पेशली। आप शायद वो जीवा भाई के फार्म में गए होंगे, ये ग्राउंडनट सर्वे में। जी, उनके पास आज भी 2 साल पहले का जीरा है, उनका ओके, उनका खुद का। तो मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनके घर पे 1 साल 2 साल पुराना जीरा पड़ा है, वो 25,000 वाला जीरा है, 45 में भी वो नहीं बेच रहे। तो हिंदुस्तान में एक चीज मैंने देखी है कि माल की शॉर्टेज कभी नहीं होती, बट हाँ, परसीव शॉर्टेज जरूर होती है। अभी जो कुछ कह सकते हैं वो इतना ही कहेंगे कि बुल्स आर डोमिनेंट, मंदी वाला मार्जिन से थक गया है, बुल्स के घर में पैसे अच्छे आए हैं इन द फॉर्म ऑफ पे आउट पेन सॉरी। तो इट्स करंटली डोमिनेटेड बाय वन पार्टी। बात करते हैं धनिया की। मार्केट में ओवरहाइप काफी लंबे समय तक स्टोरी चलती रही कि धनिया का उत्पादन बंपर है, जिसके चलते प्राइस जो कि इस साल के स्टार्टिंग में 13,000 हुआ करते थे, करेक्शन लेकर अभी 6,500 है। बीरेन भाई, आपके हिसाब से धनिया का इस साल का उत्पादन कैसा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितनी वृद्धि इसमें आप देख रहे हैं? जहाँ तक धनिया का सवाल है, तो धनिया में जो स्टोरी चली है ना, ये तो बहुत बम्पर फसल है। इसको मैं बहुत ही एग्जैक्ट मानता हूँ। मेरा एक आकलन ये है कि कॉमोडिटी की जो क्रॉप होती है, जिसको यील्ड हम बेसिकली बोलेंगे, कि पर एकरेज या पर बीघा उतारा कितना बैठा, तो वो उतारे में मैं 10-15% से लंबा मुंह नहीं देखता हूँ, अनलेस एंड अंटिल देयर इज सम स्पेशल
अनफेवरेबल और फेवरेबल सिचुएशन। तो अभी के हिसाब से देखो तो लास्ट ईयर का बेस इफेक्ट ही ऐसा था कि लास्ट ईयर वेदर एक्सट्रीम खराब था, तो लास्ट ईयर की तुलना में जीरा का फसल धनिया का फसल ठीक ठाक है। बट पांच ईयर की एवरेज से अगर मैं देखूं तो फसल में पांच ईयर की एवरेज से मैं बहुत लंबा कुछ नहीं देख रहा हूं। तो धनिया में मैं ऐसा मानता हूं कि धनिया का एंड प्रोडक्शन लास्ट ईयर की तुलना में 15% से ज़्यादा नहीं होगा। अभी लोग 1.5% की बात करते हैं देसा धनिया, आई डोंट बाई दैट स्टोरी। दूसरी बात, धनिया में ये साल की जो स्पेशल प्ले है, हर साल की प्ले होती है, लास्ट ईयर की कमोडिटी प्ले थी ओरिजिन और डेस्टिनेशन मार्केट के बीच का डिफरेंस, मीन्स जो माल जहाँ होना चाहिए वहाँ वो माल नहीं था, जिसका उदाहरण पाम ऑयल है, वीट है, तो लास्ट ईयर हमने ये सब मार्केट में देखा था। ये साल की जो प्लेबुक है वो क्वालिटी प्लेबुक है। ये एक धनिया आपका है वो 6,000 में बिक रहा है, एक धनिया आपका 20,000 में बिक रहा है। धनिया के 5 क्वालिटी स्पेक्ट्रम होते हैं, मीन्स बदामी, स्कूटर, ईगल, पैरट और डबल पैरट, यानी एक्स्ट्रा ग्रीन से लेके बदामी। इसी तरह जीरा में एकदम बढ़िया माल है, वो कल 9,500 में बिका, मीन्स 48,000 पर क्विंटल और पर 20 kg, और एक माल है वो 4,000 के नीचे बिक रहा है, मीन्स 20,000। तो यहाँ भी आप ग्रेड स्पेक्ट्रम देखो तो एक ग्रेड 20,000 का है, एक ग्रेड 45,000 का है। जीरा में भी ऐसा है, एक ग्रेड 6,000 का है, एक ग्रेड 20,000 का है। तो ये साल जो प्ले है वो बेसिकली ये है कि इवन वीट में भी, वीट में जनता क्वालिटी जिसको कहते हैं वो चल रहा है 420-440, और हायर क्वालिटी सुपर माल जो लस्टर लॉस नहीं है, रेन टच नहीं है, वो माल बिक रहा है 3,000-3,200। तो ये साल जो भी प्ले है वो रेन ने क्वालिटी को डैमेज किया है, क्वांटिटी को नहीं किया है। तो जहाँ भी लस्टर लॉस, कलर, फ्रेग्रेंस कहीं भी डिग्रेडेशन आया, वो माल कोई लेने को तैयार नहीं है, और बढ़िया माल के लिए कंपटीशन तगड़ा है। तो इसके चलते हुए कोई भी चीज़ हो, बेस्ट मालों में सुपर प्रीमियम मिलेगा, और इवेंचुअली कमजोर माल है वो टिक नहीं पाएगा, इवेंचुअली दे विल लूज आउट द कंपटीशन। आज के शो में इतना ही, हम नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर आएंगे किसी बड़ी हस्ती के साथ स्पाइसेस सेगमेंट के अंदर, रेस्ट स्पाइसेस इंक्लूडिंग टर्मरिक के बारे में चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय। इस वीडियो को सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है, कृपया स्क्रीन पर उपलब्ध विस्तृत डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ें। कमोडिटीज की खरीदारी या बिकवाली के लिए या फिर सप्लाई और परचेज के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करें, अथवा ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं। आपकी सहूलियत के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे नए वीडियोज के अलर्ट मिलते रहें।